Yeah, we've been waiting for this moment. Hey guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are right now on HRB and you are watching Mohammad Mustafa Javed official channel. और आज है तारीख 14 सितंबर 2022। आज मेरा विजिट है HRB पे और HRB पे मैं आपको अपना दाजल साइमेंटॉल ब्रीडर दिखाऊंगा और उसके बाद आपको फार्म के और सूरत हाल वगैरह भी दिखाऊंगा, जानवरों की क्या हुई भी है। तो जब तक मेरा चैनल आप देखते रहते हैं, उसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो कर दें आप लोग। चलें देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करते हैं। उस तक तब तक के लिए ये HRB का माहौल है, आपके पीछे ये HRB है, ये सारा HRB है। देख लें ये बारिश, अभी तो अभी आपने बैक साइडों पे आपको हालात नहीं दिखाए, बारिश के इतने बुरे हालात हुए हैं। जब मैं यहाँ अंदर आया हूँ तो कपड़े हाथ पैर बुरा हाल हो चुका है और अभी अंदर क्या कमरों का क्या हाल है, जानवरों का क्या हाल है, ये सिर्फ हाल वाल यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ओवरऑल अभी 2.5 महीने से पूरे कराची शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हर शहर हर इलाकों के अंदर बारिश और फ्लड है और पानी कहीं जा नहीं रहा है और ना ही कहीं जाने का रास्ता उसको मिल रहा है। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, शुरू से कभी काम ही नहीं हुए, कुछ कह नहीं सकते। तो लिहाजा ये बात की बातें हैं कि गवर्नमेंट अब आगे करेगी कि नहीं करेगी, मगर मौजूदा हालात ये हैं कि हर फार्मों पे यही हाल है। अगर मेरा जानवर ने सेहत ना भी बनाई हो ना तो भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2.5 महीना गुजर जाएगा, ये 12-13 की बारिश ख़त्म हो गई, आज 14 तारीख में खड़े हैं, आने वाले वक्तों में कितनी बारिश पड़नी है, कितनी ठंड पड़नी है ये नहीं पता। हम सितंबर में खड़े हैं, अक्टूबर नवंबर सर्दी का मौसम है, उसमें जानवर बनता भी है, उसकी फीड भी चेंज होती है, उसका बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, माहौल चेंज होता है, हवा पानी चेंज होता है, क्योंकि सर्दी का एक ज़ोर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से तवक्को है कि आप मेरे जानवर को अप्रिशिएट करेंगे, मगर जहाँ तक मुझे उम्मीद है जानवर अच्छी कंडीशन में होगा। थोड़ा सा ज़रूर आपको गंदा नज़र आएगा क्योंकि बारिश है और यहाँ पे पानी को देख के जानवरों को पीछे को देखें हालात बुरे हैं, तो मेरे भी जानवर के कोई अच्छे नहीं होंगे। और अब तक के 2.5 महीने में मैं जिस फार्मों पे विज़िट किया, चक्कर किया है या जाके बैठा हूँ दोस्ती यारी या कंसल्टेंसी के लिए भी, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। गया साफ़ सुथरी हालत में था, निकला कीचड़ की हालत में था बाहर। तो लिहाजा काम ऐसे ही चल रहे हैं अभी सबके, लाइक करें जब तक, सब्सक्राइब करते रहें और आगे कंटिन्यू मैं करूँगा, उसके बाद अल्लाह हाफिज़ करेंगे, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा घुमा इसको, घुमा ऐसे, हाँ घुमा, घूम जा घूम जा, मानता ही नहीं। अब तो नहीं समझता मुझसे भाई, अब ये इन्हीं लोग का काम है, अब ये देखा ये छोड़ने वाली की छोड़ी, अब ना भाई ना, ये कपड़े और चप्पल बचाने वाला नहीं है अब जानवर, ये ऐसा जहाँ जा रहा है उसके साथ जाओ, और ये हमारे मुस्तफा भाई जिनका जानवर है ये इसको संभालने से कासिर है क्योंकि ये माशाल्लाह से अब चीज हो गया है। अभी नहीं संभलता भाई, भाई ये हो रही है जरा आजकल बारिश बहुत ज्यादा
और बारिश की वजह से बेचारा जानवर डिस्टर्ब है, मक्खियां, थोड़ी गंदगी, इस टाइम तकरीबन शाम पे यही हालत है। हमारा वाइट बछड़ा इस टाइम टूम में आउट है, मच्छरों ने, जख्मों ने, हजार केजी वजन चाहिए मुझे इसका। बहुत बुरी हालत हो रही है भाई जगह की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन परेशानी होना। ये देखें पाड़ों की हालत, ये पाड़ों की हालत हो रही है, वो पाड़ियां खड़ी हैं, बारिश दो दिन से बहुत ज्यादा है। वो देखें पीछे सारा कीचड़ फ्लो पानी को आ रहा है, और मौसम इतना खराब है कि मौसम खराब होने की वजह से जो जानवर अंदर बाहर खड़ा होता है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस टाइम यहाँ पे सब डिस्टर्ब है, अब स्विंग कोई जानवर इतना कोई खासा सेहत नहीं बना रहा ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम। अब आप यहाँ ही देख लें, जरा सी मिसाल ये आपके सामने छोटी सी ये है कि ये तकरीबन 2,500 पाड़े की जगह और 100-150 या 200 जानवर जो ईद का जानवर यहाँ खड़ा होता है, ये सारा गटर की तरह भरा हुआ है। ये दोनों जगह पानी से भरी हुई हैं, और अभी एचआर भी किया, आप पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में फ्लड की वजह से जो हालात हुए हैं उसकी वजह से कोई भी कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा। जो मवेशी था आपका 1 मिलियन मवेशी, 10 लाख जानवर आपका मर चुका है, और 33,000 जानवर सिन इंटीरियर सिन में डिस्टर्ब होके मर चुका है। तो आप एक बने बनाए जगह को आप देख लें उसका क्या हाल हुआ है, वहाँ पे तो पूरा गांव देहात सब डूब गए, पंजाब का और सिंध का ये हाल है। इस टाइम कराची में भी यही हाल है, काफ़ी ज़्यादा तो बर्बादी हो गई है। अभी जो मैं आपको साइमन टॉल की अपडेट के लिए आया था कि बेचारे यहाँ पे लेबर की हालत बुरी हुई है, संभाल के चीज़ें, जगह साफ़ करें, जानवर संभालें, बारिश को संभालें, जानवर को खिलाएं, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना तो जानवर भी ठीक नहीं खाता, ना ही बनता है। तो अब आपको फिर बाद में और मज़ीद इसके बारे में बताते हैं। आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं, ये है एचएफ फीडर। इसकी हाइट और इसकी जान के ना जाने, इसकी हाइट नॉर्मल है, हमारे साइमन टॉल की तरह नहीं है, फीडर की तरह, मगर इसकी जान अच्छी है। ये क्रॉस है, ये तकरीबन समझ लें 60-40 वाला है। ये 60% जो है देसी है और 40% एचएफ है, होल्स्टीन फ्रीजन की ब्रीड का। तो इसकी आप कूप और रंग रूप देखेंगे ना तो ये आपको साबाजे हो जाएगा कि ये सही मानों में क्रॉस है। और ये ज़्यादातर क्रॉस है, ये साहिवाल से क्रॉस है, एचएफ साहिवाल से क्रॉस हुआ हुआ बच्चा है, जिसमें ये इसमें तकरीबन 60% का रेशो है ब्रीडिंग के अंदर सेंस से। अगर आप हमारे बछड़े को देखेंगे ना, हमारा बछड़ा जो है वो भी देसी से क्रॉस है, उसकी हाइट और खूबसूरती उसकी माँ है, वजह उसकी माँ दाजल थी, ऊंची लंबी चौड़ी, और वो एक अच्छे बच्चे जो ब्रीडर्स होते हैं उनकी नस्ल शादी के लिए ही पैदा होती है और वो गोश्त के लिए होती है, तो उससे जो बच्चे लिए जाते हैं ऑलरेडी वो हाइडेड होते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो ब्रीडर है साइमन टॉल ब्रीडर दाजल, वो हाइडेड खूबसूरती में और हाइड में इतना मज़े का सिर्फ इस वजह से, और गुलाबी यूँ है क्योंकि उसकी माँ भी गुलाबी थी, दाजिल नस्ल थी, तो वो ज़्यादातर 60% वो अपनी माँ पे है और 40% उसके अंदर साइमन टॉल का टच है। साइमन टॉल का टच भी उसके फेस के कलर की वजह से है। ये आधी सीन है, मैं आपको मज़ीद करीब से तो बहुत बार दिखा चुका हूँ, आज उसको ज़रा मज़ीद आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाता हूँ। ये जगह तो आप लोगों ने देख ली, मजीद आपको सब जानवरों का यहाँ हाल आप देखें ना तो अभी बुरा ही है, जगह का भी हाल बुरा है, बारिश हो रही है, कोई अपने फार्मों पे इतना ज्यादा आ नहीं रहा। ये एक ज्यादा ज्यादा बेहतरीन साहिवाल, लाइट तो लाइट चाहिए क्या? नहीं नहीं चलेगी, सेट है, माशाल्लाह। ये देखें,
ये इसमें और उसमें फर्क आपको नजर आएगा। ये एक पूरा गोश्त का पीस है उस जानवर का, एचएफ का पेट लटक रहा था, इसका पेट नहीं लटक रहा। इसकी हेल्थ, साइज, चौड़ाई, इसका फेस शेप, इसका सिंगों का कलर, आंखों का कलर, इसका फेस का कलर, इसके खुरों का कलर टोटली वाइट है। और 11 नंबर माय फेवरेट, माय मेरी पैदाइश 11 जून और इसकी भी पैदाइश 11 जून, तो 11 तारीख की महीना मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, वरना मैं आपको महीना भी बता देता। बहरहाल इंशाल्लाह ताला 2023 में बकरा ईद पे ये बिकने के लिए तैयार है। आज इसको आपको दिखाने का मकसद ये था, गंदी हालत पे भी दिखा रहा हूँ, लोग छुपाते हैं। देखो जानवर जब हालत उसकी चाहे कोई भी हो, फिर भी लोग हाइड करते हैं कि यार पता नहीं ये बाद में कैसा था, शुरू में कैसा था। इस तरह का कोई पर्दा वर्दा रखने का मुझे शौक नहीं है, कि जिस हालत में खड़ा है अभी है, ठीक है। अभी भी इस जानवर के अब पैसे लगते हैं, अच्छे पैसे लगते हैं, ठीक है। अब आने वाली बकरा ईद पे और ज़्यादा अच्छे और डबल पैसे लगेंगे। तो अगर किसी को पसंद हो तो एनी टाइम कॉल कर सकता है मेरे नंबर्स पे, मुझे मैसेज कर सकता है स्नैक पे, टिकटॉक पे, मेरे मुस्तफ़ा शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद यूट्यूब चैनल पे, मेरे क्या कहते हैं फेसबुक पे, मेरे बुलमार्ट चैनल पे, मेरे 99 चैनल पे, कहीं से भी मुझे मैसेज करे और रेट लगाए, मैं आज भी देने के लिए इसको तैयार हूँ। ये 2023 के लिए इंशाल्लाह ताला आपके सामने तैयार हो रहा है। आने वाले वक्तों में मज़ीद इसकी अपग्रेडेड वीडियो मैं आपको बताऊंगा और इसका वज़न भी दिखाऊंगा। अभी इसका वज़न बकरा ईद से लेके अब तक कोई इतना खासा बड़ा नहीं है, तकरीबन 700 केजी पे आया है। क्योंकि सबसे बड़ी वजह है इस 2.5 महीने में बारिश ने कहीं भी किसी को भी नहीं छोड़ा है। जो फार्मर्स था एग्रीकल्चर का और लाइव स्टॉक का, इस टाइम टोटली डिस्टर्ब है काम को लेके, क्योंकि जानवर मौसम में नहीं बन सकते। अच्छे मौसम में जो जानवर ग्रो करता है वो बारिश वाले मौसम में ग्रो नहीं करता, वो उसको जगह, उसको मौसम, उसको आबो हवा एडजस्ट नहीं कर पाता। बाकी बात में ये बारिशों के मौसम हैं, और बारिशों के मौसम में ऐसा ही होता है कि जगह का हाल आप देखें, हर फार्म पे, हर बाड़े पे इस टाइम यही कंडीशन है। और अभी हम लेके जा रहे हैं इसको एग्जैक्ट वेट के लिए, कि वेट ये देखें इसकी गर्दन शहजादा। हाँ आगे से बंद कर, खुला हुआ है दरवाज़ा, आगे से बंद करो। जी जनाब ये आया कांटे के। ओके जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू 99 कैटल फार्म, एंड वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ ऑन HRP एज यू नो। तो सिलसिला ये था कि मैंने कहा कि आपको बता दूं कि जो कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान फ्लड, तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ से आपको जगह दिखाता हूँ। ये देखें HRP में ना इस टाइम बारिश में तकरीबन जो फार्म्स की हालत है वो यही है। इधर से आएंगे, ये देखें तकरीबन सारे शेड इस टाइम खाली हुए हैं और जानवर अंदर है, और पानी इस तरीके से 12-13 तारीख की जो बारिश हुई उसके अंदर ही इतना पानी खड़ा हो गया। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 महीना इस टाइम, पूरे 2 महीने हो रहे हैं। 11 जुलाई की बकरा ईद थी, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी तक 9-10-11 बकरा ईद रही है, और उसके बाद से आज हिसाब लगा लें पूरे 2 महीने हो रहे हैं। आज हम करें 14 तारीख में, पूरे 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और बारिशें नॉन स्टॉप हैं बकरा ईद से पहले से।
तो एक फार्मर का जो लाइफ स्टॉक का और एग्रीकल्चर का फार्मर है वो बिल्कुल तरीके से एक तरीके से ख़त्म हुआ हुआ है, बर्बाद हुआ हुआ है। बकरा ईद का नुकसान, जगहों का नुकसान, पानी फ्लड, इन सारी चीज़ों का जैसे पूरे पाकिस्तान में हुआ हुआ है। इतना इतना जानवर मर गया, इतना इतना नुकसान हो गया, लोगों का काम बंद हो गए, फार्म बंद हो गए, जानवर मर गए, तो सब कामों के साथ यही सूरत हाल है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि जो मैंने आपको सैमन डॉल आपको दिखाया, सैमन डॉल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तकरीबन 700 के करीब वज़न पे है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर उसने 25 या 35 किलो वज़न बढ़ाया है इस दो महीने में। एज़ यू नो के 7.5 ग्राम्स मतलब 3 पाव वज़न एक जानवर नॉर्मल बढ़ाता है, बढ़ाता 3 पाव तकरीबन समझ लें एक दिन में। वैसे तो 1 किलो भी बढ़ा सकता है, 3 पाव बढ़ा रहा है, और वो बढ़ाने की वजह ये है कि शायद ज़्यादा बढ़ाता, क्योंकि जिस साइज़ का वो जानवर है, जिस तरह की उसकी खुराक है, वो ज़्यादा वज़न बढ़ाता। 2 महीने से मौसम जो रहा है, बारिश रही है, उसने बढ़ाने नहीं दिया वज़न, तो जब वो वज़न नहीं बढ़ा तो नुकसान इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हो गया। वज़न जानवर जितना अच्छा खा ले, जितना अच्छा उसको माहौल मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, नुकसान हमेशा होता है बारिशों की वजह से, जगह गीली होने की वजह से जानवर उसमें फलता फूलता नहीं है। तो उस हिसाब से भी उसने 25-35 किलो जो वज़न बढ़ाया है, मैं समझता हूँ ठीक है। और आने वाले वक्तों में जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 1000 kg का सैमन डॉल, वो इंशाल्लाह 1000 kg से ऊपर जाएगा। ये मैं कोई चैलेंज नहीं दे रहा, ये अल्लाह के ऊपर है। हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है वो बने ही ना, हो सकता है वो पहले ही कोई ले जाए, सेल हो जाए। तो इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कह सकते, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, और जानवर की सेहत भी लेबर के हाथ में, मेरे हाथ में, या खिलाने वाले के हाथ में, या मौसम के हाल में भी है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दुआ है कि दुआ खैर रहें जानवरों के साथ, आने वाले वक्त के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ। जो हालात हुए हैं पानी तूफान वगैरह से हम लोग निकल जाएँ, गरीबों की भी मदद हो जाए, बेरोज़गार जो लोग हो गए उनको काम धंधे मिल जाएँ, जिनके काम बर्बाद हो गए उनके काम सेट हो जाएँ इंशाल्लाह ताला। आप सबसे दुआ खैर रहेगी इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए मगरिब का वक्त हो चुका है, ऊपर हो गया है, और जाने का वक्त मेरा भी आ गया है। मैं सिर्फ आया था एक नज़र सैमन डॉल को करने, क्योंकि 2 महीने के बाद मेरा HRV में अब आना हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वजह बारिश थी। दूसरी 10 जगहों पर गया, वहाँ पर भी यही हाल था। तो कहने का मकसद ये कि दुआओं में याद रखें। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद आपका, और आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्त को जिस तरह उसका 1000 kg वज़न कर रहा है ना सैमन डॉल का, उसी तरह 1000 सब्सक्राइबर करें, या 2000, 3000, 4000, 5000 सब्सक्राइबर लाइकिंग एंड शेयरिंग करें। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को और 99 कैटल फार्म को इजाज़त दी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जीना है तो ऐसे जियो कि अपने बाप को भी लगे कि मैंने एक शेर पाला है। Мои ты надела кандалы, где пропадают и ночью гадала. А я с друзьями сгораю до тала. Вокала подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. Два виски с голы, детка моя. ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times. Last but not least, I want to thank me.
I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. Yeah, we've been waiting for this moment.